सौतेली माँ करीना कपूर से कैसा है सैफ अली खान की बेटी सारा का रिश्ता। एक्ट्रेस ने खुद बताई थी सच्चाई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी पहचान बना ली है। उन्होंने फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन सारा को बॉलीवुड में हाथों हाथ लिया गया। उन्होंने कई बैक टू बैक फिल्मों में काम किया और लाइमलाइट में आ गई। वैसे अपनी एक्टिंग के अलावा सारा अपनी खूबसूरती और बेबाकी के लिए भी जानी जाती है। वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर और बिंदास तरीके से बात कर लेती है। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में सारा ने अपनी सौतेली माँ करीना कपूर खान के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि करीना के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है। सारा ने कहा था कि हमारे बीच सौतेली माँ और बेटी जैसा कोई रिश्ता दूर दूर तक नहीं है। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं करीना की बहुत बड़ी फैन हूँ और जब मुझे पिता ने उनसे शादी की बात बताई थी तो मैंने सोचा ओ माय गॉड, वो मेरे पिता की वाइफ बनने जा रही है। मुझसे कई लोग ने कहा कि तुम करीना की इतनी बड़ी दीवानी थी इसलिए कायनात ने उन्हें इस रूप में तुम्हारे पास भेज दिया। मुझे करीना द्वारा फिल्म कभी खुशी कभी गम में निभाया गया पू का किरदार बेहद पसंद है। वो मेरे पिता की वाइफ है और उन्हें खुश रखती है। हम दोनों ही मेरे पिता सैफ अली खान की खुशी चाहते हैं, तो एक दूसरे के लिए हमारे मन में करवाहट का कोई सवाल ही नहीं है। सारा ने इंटरव्यू में अपनी माँ अमृता सिंह के बारे में बात करते हुए बताया कि सैफ और करीना की शादी के बारे में सुनकर वो भी बहुत खुश थी। यहाँ तक कि उन्होंने ही मुझे शादी में तैयार करके भेजा था। शादी के बारे में मालूम चलते ही उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या पहनोगी। इसके बाद उन्होंने मेरे लिए डिजाइनर अबू जानी से लहंगा डिजाइन करने को कहा। इसके बाद वो मेरे साथ लहंगे के मैचिंग इयररिंग्स लॉकर से निकलवाने के लिए भी गई। आपको ये बात बता दें कि सैफ ने करीना से साल 2012 में शादी की थी। इससे पहले सैफ की अमृता से साल 2004 में पहली शादी टूट गई है।